मजार से बाहर हम हाजी देने के बाद यासिर भाई को रास्ता बताया, आप देख सकते हैं वो आगे आगे जा रहे हैं, वो उनकी गाड़ी है। और अब हम जा रहे हैं मोकी के अंदर बैठ के नाश्ता करने के लिए। चल झूठा, होटल का नाम हम फिर भूल गए, यासिर भाई को पता है, लेकिन इतना पता है कि उसका जो रूम है वो ट्रेन की बोगी में बना हुआ है। तब हम उधर की तरफ गामजन है। बहुत दिनों बाद हमने भी यो देख सकते हैं आप बिल्डिंग, और ये पाकिस्तान की सबसे पहली बिल्डिंग जो किसी दौर में सबसे ऊंची शुमार होती थी। अच्छा, हमको सिखा रिया है, आप भी जानते हैं इसका नाम, ये देख ले, ये है इसका नाम, और ये है हबीब बैंक। ये हम आ गए, आप देख सकते हैं कैफे बोगी में, ये ट्रक ट्रेन की बोगी इन्होंने उठा के रख दी है। बड़ा हरामी हो बेटा, बाहर रखी हुई है हमारी गाड़ियां पार्किंग में हमने लगा दी है। गाड़ी हमें बहुत प्यारी लग रही थी, हमने इसकी एक तस्वीर भी ली है, और ये हम बोगी में दाखिल हो। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ट्रेन का डब्बा, ये आए हम कैफे बोगी पे, अभी हम नाश्ता करेंगे, अंदर जाएंगे, और ये अहमद भाई हमारे बच्चों की तरह झूला झूल रहे हैं। गजब बेइज्जती है, देख सकते हैं आप, फर्स्ट टाइम है। हाँ चल, ये इन्होंने लगता है पहली दफ़ा झूला देखा है जवान होने के बाद, बचपन में तो बहुत खाया हुआ है मतलब अपने झूला। तो अब हम नाश्ता भी करते हैं, ठीक है, चले। बाहर बोगी में हम नाश्ता करेंगे, सफ़र तो बहुत किया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नाश्ते की बारी है, ख्याल ट्रेन। अरे यार अजी वीडियो बना रहा मैं, क्या हो गया? अदनान भाई ने बोला ऐसे बैठे हुए कि सबकी वीडियो बना। हमने जो नाश्ते में प्लेटर मंगाया है उसमें आइटम बहुत सारे हैं, तो हमने ऐसे ही सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मुख्तसर सी एक वीडियो बनाने के लिए हम कैफे बोगी के किचन में आ गए हैं। यहाँ कुछ चीज़ें तैयार हो गई हैं, कुछ चीज़ें मज़ीद तैयार हो रही हैं। हम आपको बाहर से कैफे बोगी का मंजर दिखाते हैं, यहाँ का व्यू दिखाते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कैमरे तुम्हें अभी तक इसके अपने कैमरे की वैल्यू नहीं पता, मोबाइल की नहीं पता। स्नैप चला रहा है, अपने कैमरे की बात कर रहा हूं उससे, कहते ना फिर अरे क्या बात, क्या बात, अभी अभी सेट करो, आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलीशान खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद माशाल्लाह चंदा होना शुरू हो गया है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? चलो उमेर भाई तुमने भी देने ये भाई, ये रखे इधर, रखो इधर जहां सब रख रहे हैं। शाबाश शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बेहतरीन। चल भाई बैटरी अभी तो पूरे थे, बाद में देखते हैं कितने तेरे को वापस दूंगा मैं। 400 थे, 450 पूरे निकल गए। ला जल्दी ला, चले आपके पूरे आपकी तरफ आ गए, ठीक है, हम दोनों के हो गए पूरे 900, ठीक है। मेरे पास छियालिया नहीं है, हाजी छियालिया है जेब में, अदनान भाई को दें अगर है तो, मेरे पास है नहीं।
अब्दुल हमीद के इमाम है ना जी। मैं कैफे बोगी का ओनर हूँ, मेरा नाम जफर है और ये कैफे बोगी आई चुंदरीगढ़ रोड के ऊपर लोकेटेड है। आप ज़रूर तशरीफ लेकर आएँ, यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट का एहतमाम रखा हुआ है, लंच है और डिनर है। ये बड़ा यूनिक डाइनिंग है, बड़ा डिफरेंट है, पूरी फैमिलीज यहाँ पे आके इंजॉय करती हैं, दोस्त इंजॉय करते हैं आके। सेपरेट एयर कंडीशन डाइनिंग है यहाँ पे, इसमें भी आप बैठ के खाना खा सकते हैं ट्रेन की बोगी के अंदर। और ओपन एरिया भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे सेलिब्रेशंस भी होती हैं और यहाँ पे फूड की तकरीबन 70 डिशें यहाँ पे मौजूद हैं जो आप लुत्फानंदोज़ जिससे हो सकते हैं। और बड़ा यूनिक है, बहुत सारे रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, सब जगह नॉर्मल डाइनिंग्स होती हैं, लेकिन ये ट्रेन बेस्ड रेस्टोरेंट है। पाकिस्तान का पहला रेस्टोरेंट है जो ट्रेन के अंदर बना हुआ है। और ये आप सिटी स्टेशन आई चुंदरीगढ़ रोड पर ज़रूर आएँ और आके इसको इंजॉय करें, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया। हम आए दूल्हा सब्जवारी से, तो आइए चंडीगढ़ रोड पे, ये स्टेट लाइफ बिल्डिंग के बिल्कुल थोड़ा सा आगे ही आकर हबीब बैंक के बिल्कुल सामने कैफे बोगी। जैसे कि हमने नाश्ता कर लिया है, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो तमाम भाइयों को अल्लाह हाफिज़। हमारा ब्लॉग यहाँ एंड होता है।